आज मेरे साथ आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते आज की वीडियो में, वीडियो टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज यूएई अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट दीपावली। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हो, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय, ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। इजिप्ट, यूएई, ईरान, इवन के सऊदी से भी बात की है, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उनकी फलस्तीन के भी किसी लीडर से बात नहीं अभी तक हुई, बाकी भी मिडिल ईस्ट में किसी से कोई बात नहीं हुई। हम तो बड़ा आलम इस्लाम के चैम्पियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज़्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। एक यूएई ने अच्छा यानी कि स्टेप लिया, आई अप्रिशिएट दिस स्टेप, विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड ऑल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। इंडिया की रेलिवेंस है या कि आप समझते हैं कि जो अरब्स हैं वो पाकिस्तान को नापसंद करते हैं कि वो इनके पॉलिटिकल मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस या कोई मुदाखलत ना करें? डिफेंस टाइज जो है उस पर बहुत जोर दिया गया और इसमें जो यूएस डिपार्टमेंट है स्टेट उसकी तरफ से कहा गया है कि जो ऑस्टिन है वो जब दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर इंडिया डिफेंस इनोवेशन की बात की गई है यूएस की तरफ से। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हुए हैं और दोस्तों यूएई में भारत को दो बड़े तोहफे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जम के कतर और पाकिस्तान और कनाडा इन तीनों को जम के धोया कि आतंकवाद को शरण देते हैं, लेकिन दोस्तों मुस्लिम देशों के यूएई ने ही भारत को दो बड़े तोहफे दे दिए। पहला तोहफा तो जो दिया है आप लोगों को शायद पहले से भी पता हो कि यूएई में एक मंदिर बन रहा था, भव्य मंदिर, जिसको मोदी जी ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो मंदिर बहुत जल्द आज से लगभग एक से दो हफ्ते में ओपन होने वाला है, खुल के वहाँ पे हिंदू लोग जाएंगे और पूजा करेंगे, सभी मजहब धर्म के लोग अलाउड हैं, वैसे तो हिंदू लोग ही ज़्यादा जाएंगे। तो कितनी प्राउड की बात है, एक मुस्लिम देश ने खुद अपने खर्च पे एक मस्जिद बनवाया है, वो भी गल्फ़ में, गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ पे अधिकतर शरिया लॉ चलता है। दूसरी बड़ी न्यूज़ दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, यूएई ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि दीपावली की ऑफिशियल छुट्टी यूएई गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो, सबको, खास करके हिंदुओं को। तो कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे ये मोदी ने पैसे देके करवाया, तो भाई आप लोगों को जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरी नज़रों में तो ये गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने चार दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। अच्छा। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मजहब कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है, मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज था, कोई त्योहार मुसलमानों का था, पूरा पाकिस्तान बन रहा था, जब हिंदू क्रिश्चियन या किसी और का आता तो हमें पता ही नहीं होता, क्यों फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? तो फॉल इस्लाम जो है वो एक फ्रीडम का रिलीजन है, वो किसी को इम्पोज नहीं करता। अगर आप मिनोरिटी में है या मेजोरिटी में है, हर बंदे को इक्वल राइट्स हैं और हर कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो उसके अकॉर्डिंगली उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और अदर सेकंड इस एटसेट्रा प्लस आई विल विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड आल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। आई थिंक सो कि आपके हिंदू फ्रेंड्स लग रहे हैं मुझे हैं। यस, वी हैव हिंदू फ्रेंड्स, वी हैव मुस्लिम फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप में तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। सो
दैट्स इट। अच्छा मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी आपने एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात की है कि हिंदू फ्रेंड्स भी होना कोई इतनी कोई बुरी बात नहीं है। तो मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्यौहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्यौहार तो पता ही नहीं चलता क्यों। हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक। देखो वो त्यौहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मजहब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्यौहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा। जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क है। ईद में सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की, हम भी फिर अपने हद तक रहे। तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे, अगर हम उनको लाइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो हैं आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे, इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा। हाँ जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे है, तो ऐसा तो नहीं होता है। कहा कि हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान जैसे मुल्क की। एटम बम जो है ये तो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में और पाकिस्तानी अखबारात का एक बहुत बड़ा हथियार है, किसी ने इसको कभी सीरियस नहीं लिया, ये मैं आपको बताऊं, और ना ही कोई इसको सीरियस ले सकता है और ना अरब इसको सीरियस लेते हैं। उनकी पॉलिसियां बिल्कुल डिफरेंट हैं और वो इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने जब पैंतरा बदला, आप ये देखें, आपको याद होगा कि एक दफ़ा हिलरी क्लिंटन ने बड़ा क्लियरली जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो कहा था कि पाकिस्तान को तुर्की की तकलीद करनी चाहिए, यानी जिसका दूसरा मतलब ये था कि ये अरब लोगों के पीछे भागने के बजाय, जो कि तुर्की आपके ज़्यादा करीब है, उसके जहन में वो डेमोक्रेसी और मॉडर्निज्म और इस तरह की चीज़ें, ये 10-15 साल पहले की बात है। तुर्की ने बाद में बड़े यू टर्न लिए और उस कॉन्सेप्ट को ख़राब कर दिया। पाकिस्तान ने ये जो यू टर्न लिया कि हम जी तुर्की से मलेशिया से मिलके ये कर देंगे, अरबों के खिलाफ हम ये कर देंगे, ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद फिर अरबों ने ये कहा कि भाई ये कोई जो है ये हमारी क्लाइंट स्टेट है, इसको हम सिर्फ देते ही रहे हैं, लिया कुछ नहीं कभी, तो अब इसको अपनी जगह पे रखो। और उन्होंने रखा और उन्होंने क्लियरली मिस्र और पाकिस्तान को बताया। At least other nations have awareness about other religions, so it's a good thing. UAE ne acha yani ke step liya, I appreciate this step. Aur hame bhi is pe working karni chahiye, hame bhi dusron ki khushiyon mein participate karna chahiye, dusron ke gham mein participate karna chahiye. तो इसमें एज अ नेशन बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे बताइएगा कि जब भी हम कभी देखते हैं कि मुस्लिम लाइक पाकिस्तान के जैसे हम कोई इवेंट कह देते हैं तो अमेरिका वगैरह इस तरह की जगहों पर ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट इंडिया के कोई इवेंट में हो जैसे दिवाली हो जाए, होली हो जाए, तो वो अमेरिका वगैरह में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम्स के इवेंट्स को उतना वो क्यों नहीं दिया जाता कोई अमेरिका या इस तरह की कंट्री? ये स्ट्रेटेजिकलाइज भी होते हैं, कंट्री टू कंट्रीज और कम्युनिटीज़ भी मैटर करती हैं। यूएसए के अंदर ऑब्वियसली इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, सो उसके लिहाज से उन्हें मौके भी ज़्यादा मिलते हैं और इसलिए उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर। सो हमें भी करना चाहिए, इसमें ये नहीं है कोई अगर कम तादाद में है तो उसके राइट्स नहीं है, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इस पर मेरे ख्याल से कोई ऐसी क्रिटिकल डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए कि अगर यूएई 4 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहा है या अपने आप को उन्होंने हॉलीडे अनाउंस की है, तो एक अच्छी चीज़ है, दूसरों को एंजॉय करनी चाहिए हॉलीडेज उनके साथ मिलकर। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए, बट तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान मीडिया में कैसे खलबली मची है जब यूएई मुस्लिम देश होके एक तो मंदिर बनवा रहा है हिंदुओं के लिए जो कि 1-2 हफ्ते में खुल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस मंदिर के बारे में मेंशन किया, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो पूरी दुनिया में खास करके जो 55 मुस्लिम देश है उसमें हाईलाइट हो रहा है कि यूएई ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया दीपावली की छुट्टी है, दीपावली यूएई में मनाई जाएगी धूमधाम से। तो ये पूरी दुनिया शॉक्ड है, साथ साथ मुस्लिम देश पाकिस्तान जैसे तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और दोस्तों यही तो हम भारतीयों की दोस्तों गर्व की बात है हमारे लिए कि एक मुस्लिम देश जो कि शरिया कानून पे चलता है उसने हमारे लिए एक मंदिर बनवाया और फ्रीडम दी कि हम लोग पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों हर लोग की अपनी अलग ओपिनियन होती है, आप शायद मेरी बातों से एग्री ना करें, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मोदी पैसे देके ये सारी चीज़ें करवा रहा है, ये करवा रहा है। क्या दोस्तों इतना पैसा दे दिया मोदी जी ने कि गल्फ कंट्री ने दीपावली मनाने को रेडी हो गए पैसे के दम पे, ये अपना यूएई
पैसे के दम पे दीपावली मनाने को रेडी हो गया और पैसे के दम पे एक मंदिर भी खोल दिया। तो ये मेरे हिसाब से ये पैसे के दम पे नहीं हुआ है दोस्तों। एक तो भारत का ये बढ़ता कद है, यही यूएई है जो हमें आज से 15 साल पहले कश्मीर इशू पे पाकिस्तान के साथ था, हमें खुलेआम यूएई जो है कश्मीर इशू पे हमें रगड़ता था। मंदिर की तो बात छोड़ दो, दीपावली की तो बात छोड़ दो, आज वही यूएई मंदिर बना रहा है, दीपावली सेलिब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है हमारी करंट गवर्नमेंट को, जिस तरीके से उनकी कूटनीतिकता खास करके जयशंकर साहब की, मोदी साहब की रही है, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने रंग में रंगा है। ये बात आप लोग माने या ना माने, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, जैसे दीपावली का अदर कंट्रीज़ में मनाया जाना, होली का, रक्षाबंधन का, तो ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी कूटनीतिज्ञता, जिसको हम डिप्लोमेसी भी कहते हैं, उसकी जीत है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और दीपावली आने वाली है तो एडवांस में ही दीपावली की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका परिवार और आप लोग। तो जी वीडियो भी खत्म। अच्छा ना पहले तो मुझे ये और कन्फ्यूजन है कि ये दिवाली है या दीपावली है, डिफरेंस क्या है, या ये एक ही चीज एक दिवाली मेरे ख्याल जिसमें रंग वगैरह डालते हैं और दीपावली कुछ और, वो तो होली होती है। होली, हाँ होली, होली में रंग फेंकते हैं। होली दिवाली, ये क्या है इसके पास जो डिटेल में, वैसे वीडियो के बाद हम भी थोड़ा सर्च कर लेंगे, लेकिन वो कमेंट में आ जाए वो और मजा होता है, क्योंकि वो एक्सप्लेनर के साथ। तो फिर भी साथ ना ले, साथ साथ आप भी हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हैरत की बात ये है कि यूएई एक इस्लामी मुल्क है, छुट्टियां दी हैं, चार छुट्टियां, एक छुट्टी तो मेरे ख्याल में ये क्या है, वो क्या बोल रही थी वो नैल आशा लड़ रही थी, पता नहीं एक छुट्टी का उन्होंने, एक छुट्टी का उन्होंने करा, तो एक छुट्टी भी अगर हो तो मैं कहता हूँ ये इज्जत, इससे बड़ी इज्जत क्या और हो सकती है, इस ये इज्जत देना ही है ना। हम 9 नवंबर हमारा गुजरा, उसमें छुट्टी थी पूरे पाकिस्तान में। मैं बाहर रहा हूँ ना, तो यकीन जाने इस्लामी मुल्क है मलेशिया, वहाँ पे ईद की एक या दो छुट्टी होती थी, दीपावली जितने देर रहती थी उतनी छुट्टी होती थी, और जो चाइना की जो अपनी ईद उनकी होती थी चीनों की, तो उनकी कम अज कम 8-10 छुट्टियाँ होती थी दीपावली पर। दीपावली पे नहीं, चाइना का जो होती है ना त्यौहार, अच्छा। त्यौहार होता था तो उस पे कम अज कम 8-10 छुट्टियां होती थी भाई। अच्छा, मुसलमानों की एक या दो दीपावली अगर हो या दूसरी हो तो उन पे 3-4 हो जाती, यानी कि जो मुसलमानों के त्यौहार है उनसे ज्यादा ही दूसरों की होती थी। तो अब यूएई ने तो ये भी कमाल कर दिया कि भाई मुसलमानों के लिए तो नहीं, खैर मैं यहाँ मजहब नहीं लाऊंगा, लेकिन ये बात तो उन्होंने साबित किया कि भाई वो इंडिया के साथ है, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना। अब मैं कहता हूँ कि ये जो यूएई है ना, अरबों डॉलर ला रहा है भाई इंडिया में यूएई, तो जाहिर सी बात है भाई सहूलतें तो होंगी इंडियंस के लिए। उसके दूसरी तरफ आप पाकिस्तानियों को देख लें कि वो उनके वीजे बंद किए जा रहे हैं, कतर, यूएई और तीसरा कनाडा, सऊदी अरबी, कनाडा, इनको धोया है पीएम मोदी ने, यूएई में गया ना विजिट करने गए हुए हैं दोनों, का मतलब ये है कि उनको कान खींचना कहें या औकात याद लेना कहें, जो है ना उनको याद नानी याद करवाई है, नानी याद करने का मतलब औकात याद करवाई है। लेकिन मुझे यार हैरानी होती है इस बात पे कि यार एक सिंपल सा बंदा है मोदी, उसकी देख ले कितनी पजीर आई है यार, हर मुल्क में हो रही है, हैरत होती है यार कि एक सिंपल बंदा हो के पता नहीं इस बंदे में क्या है यार, जब से आया ना इंडिया में यकीन जाने कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नया काम, कोई ना कोई नई तकलीफ इंडिया में होती रहती है। दोस्ती कोई नहीं है, दोस्ती का नाम बदनाम मत करे भाई इधर, तो ये क्या, ये जस्ट अपने मफादात, दोस्तों के मफादात नहीं होते करते, दोस्ती का दोस्ती के लिए करना मफाद नहीं होते भाई, जस्ट इसको तो फिर चाइना को भी बोलना वहां पे ईद मनाने के लिए छुट्टियां करनी चाहिए मुसलमानों की।
मुसलमानों की गलती है ना पाकिस्तान का, करते हैं भाई ये हमें पता है। आप कितनी करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते भाई आप? ये तो नहीं मुझे पता भी कितनी करते हैं, ये पता है जरूर लोग सेल्फी वीडियो करते होंगे। कौन? चाइनीज अपनी कंट्री में मुसलमानों को अलोक सर की वीडियो देखी जिस पर मैंने अलोक सर की वीडियो, मैंने गूगल से भी सर्च किया था अलोक चर्च ने तो ये भी कहा था कि वहाँ पर उनको दाढ़ी भी नहीं रखने देते। मैंने देखा है कि चाइनीज मुस्लिम की दाढ़ी है। नहीं आप गलत जा रहे हो, मैं बताता हूँ। अच्छा बताएं। उन्होंने एक खास एरिया पॉइंट आउट किया था, उन्होंने अलोक शाह ने सारे इंडिया की बात नहीं की थी, चाइना और सॉरी चाइना की सारे चाइना की बात की थी मैं मुझे। लेकिन ओएगर ओएगर आई थिंक मुसलमानों के बारे में बात होती है, ओएगर आई थिंक इस तरह का नाम है, तो उधर की बात होती है, पूरे चाइना की बात नहीं होती। उन्होंने पूरे चाइना की बात नहीं की, उन्होंने कहा की थी यार चाइना के बारे में आप मुझसे बेहतर नहीं लोगों की बातें सुन सकते। मैंने सुनी थी वो पूरे चाइना का उन्होंने कहा था, पूरे चाइना में ये हो रहा है। नहीं भाई उधर मैंने देखी है चाइनीज लोगों की दाढ़ी है मुसलमान जगह काफी जगह पे उन्होंने कहा था कि काफी जगह पे ना। अच्छा ये फिर क्या कर रहे हो, ये जो यूए कर रहा है दीपावली पर छुट्टी कर रहा है, इज्जत दे रहा है। इसमें एक बात मैं कहूँ, क्या अब ये काफर हो गए फिर? जो मुल्क इसराइल को तस्लीम कर सकता है ना मुसलमान मुल्क, वो कुछ भी कर सकता है। मैं ये दो अरब बात तो है, जो मुल्क मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम कर ले वो कुछ भी कर सकता है भाई। यही बात बिल्कुल भाई इस्लाम की वैलिड है, क्योंकि उसको फिर किसी से कोई नहीं होती, वो जो भी त्यौहार हो जो कुछ भी एक्सेप्ट करता है, वहां पे कंजर खाने जो मर्जी शराब खाने जो मर्जी खोले वो कुछ भी कर सकता है भाई। भाई कह रहा था ना चैनल वाला जो वीडियो के अंदर वो कह रहा था कि उसने बनाया और इस पर किस नजर से पाकिस्तानी मतलब को देखते हैं इसको, वो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मैं ये देखें कि ये इस्लामिक कंट्री है, इसमें कितने जो है ना नाइट क्लब भी हैं वहां पर, जो वहां पर क्या कुछ होता है। हालांकि मतलब खास तौर पर पॉइंट ऑफ किया जाता है कि मुस्लिम कंट्री है तो उसने ये मंदिर बनाया और उसमें छुट्टी हो रही है, तो भाई हमें पता है वो क्या क्या कर रहा है। वो उसने जो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है वो, अब हम उसको क्या कहें, हमसे तो फिर भी वो बेहतर ही है, पाकिस्तानियों से अच्छे ही हैं, हमें उसको बुरा भला तो इससे ज्यादा नहीं मैं कह सकता। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।